हेलो फ्रेंड, आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक में एक प्रॉपर ब्रेकआउट हमें देखने को मिला और यहाँ पर ब्रेकआउट सस्टेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि यहाँ पर ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो अगले टारगेट यहाँ पर क्या एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, इस पर हम कर लेते हैं चर्चा। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देखिएगा, आपके सामने यहाँ पर जो चार्ट प्रेजेंट किया गया यह है डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट। यहाँ पर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करते हुए आपको शो कर रही है। नीचे अगर आप देखेंगे तो 160 रुपये के आसपास कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला था और इस कंसोलिडेशन के साथ स्टॉक में हल्की फुल्की हमें तेजी देखने को मिलती है। और यहाँ पर हम देखते हैं फिर से गिरावट करके स्टॉक जो हमारी ब्लू लाइन है नीचे सपोर्ट लाइन, इस पर सपोर्ट करके आगे बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है। आगे की तरफ बढ़ते हुए साइड वेज मूवमेंट करते करते स्टॉक एक बार फिर से हमें गिरावट दिखाता है और एक बार फिर से आप सपोर्ट देख सकते हैं उसी ब्लू लाइन पर आपको दिखाई दे रहा है जो कि हमने यहाँ पर सपोर्ट लाइन बनाई है। यहाँ से आपको स्टॉक में फिर से तेजी देखने को मिली और स्टॉक इस बार लगभग 220 के आसपास जाता हुआ दिखाई दिया। फिर से हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिलती है। अब आप देखेंगे स्टॉक में आती है तेजी और यहाँ पर 220 का जो लेवल है इस क्रिटिकल लेवल को स्टॉक ने ब्रेक किया। ये देखिए, यहाँ पर आपको ब्रेक दिखाई दिया और यहाँ पर होता है ब्रेकआउट और ये ब्रेकआउट जो है स्टॉक को सस्टेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि यहाँ पर ये ब्रेकआउट सस्टेन हो जाता है तो अगला टारगेट क्या रहेगा और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इस पर हम करने वाले हैं चर्चा। तो यहाँ पर आप देखिएगा इस ब्रेकआउट के सस्टेन होने पर अगला टारगेट आपको यहाँ पर 250 से 260 के बीच में देखने को मिल सकता है और इसके उल्टा अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो नीचे की तरफ लगभग 220 के आसपास आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो 220 का स्टॉप लॉस रख करके आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। लगभग 260 रुपये तक के टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं।